CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम कार्लोस लीनियस। कार्लोस लीनियस की कहानी, वो शख्स जिसने जीव जगत को सिलसिलेवार किया। पूरी दुनिया में जीव विज्ञान का शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जिसने स्वीडन के प्रकृति वैज्ञानिक कार्ल लीनियस, जिनका काल 1707 से 1778 तक का था, उनका नाम न सुना हो या उनके काम से वाकिफ न हो। लीनियस को आधुनिक सजीव वर्गीकरण विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लीनियस ने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि हजारों पेड़ पौधों को एक सरल वर्गीकरण दिया। ये सर्वप्रथम उनकी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में सन 1735 में प्रकाशित हुआ था। आज के वनस्पति शास्त्री और प्राणी शास्त्री जिनकी वर्गीकरण में रुचि है, उन्हें अंग्रेजी के अक्षर एल के रूप में जानते हैं। ये अक्षर कार्ल लीनियस का संक्षिप्त रूप है और परंपरागत रूप से उन तमाम महत्वपूर्ण जीवों के सामने लिखा जाता है जिन्हें लीनियस ने पहचाना और उन्हें वर्गीकृत किया था। वर्ष 2007 कार्ल लीनियस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, यानी सन 2007 था उनकी 300वीं जन्म शताब्दी का वर्ष। अरे, तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स भाई, कमाल के इंसान है। बायोडेटा देखा भाई? वाकई बहुत कुछ जानते हैं ये एक्सपर्ट्स, वाकई ऐसे होते हैं। साथियों, यहाँ पे आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सबका पेरिस के इस जाने माने उद्यान जार्डिन डी प्लांटो में स्वागत है। देवियों और सज्जनों, आज मशहूर फ्रांसीसी वनस्पति विज्ञान के माहिर बर्नार्ड डे जेस्यू हमारे बीच मौजूद हैं। वो कुछ दुर्लभ पेड़ पौधों के बारे में हमें बताएंगे, तो अपनी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वनस्पति विज्ञान के माहिर बर्नार्ड डे जेस्यू का। आइए श्रीमान बर्नार्ड डे जेस्यू। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे पास एक विचित्र पौधा है। मैं अब तक इसकी ठीक ठीक से पहचान नहीं कर पाया हूं। क्या आप में से कोई सज्जन इसमें मेरी मदद करेगा? जी महोदय। जी महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जी जरूर बताइए। महोदय, इस पौधे को कहा जाता है हायक पलेंटा फैसियम अमेरिकानस हैबिट। एक बार जरा नाम को दोहराएंगे आप? जी अवश्य, हायक पलेंटा फैसियम अमेरिकानस हैबिट। कहीं आप संयोग से स्वीडन से लीनियस तो नहीं? जी आपने सही पहचाना महोदय, मैं वही हूँ। अरे मैं आपको यहाँ पाकर सच में बेहद प्रसन्न हूँ। अरे आप तो हमारे समय के महान प्रकृति विज्ञानी हैं। जी ये तो आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। लगभग 300 वर्ष पूर्व ये बुजुर्ग थे कार्लोस लीनियस, जिन्हें हम कार्ल लीनियस के नाम से जानते हैं। जिन पेड़ पौधों को उन्होंने कभी देखा नहीं था, मात्र उनके फूलों का अवलोकन कर उनका वर्गीकरण करने की वो योग्यता रखते थे। अपनी अनोखी लगन से इस महान जीव विज्ञानी ने जीव प्रजातियों के नामकरण की एक ऐसी प्रणाली दी जिसे हम आज तक प्रयोग में ला रहे हैं। उन्होंने हमारी प्रजाति का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सबसे पहले सन 1758 में रखा, और हमारा स्थान उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ बंदरों और लंगूरों की श्रेणी प्राइमेट्स के साथ जीव वर्गीकरण में रखा। स्वीडन का सबसे रमणीक गांव स्मॉलैंड प्रांत में स्थित राशुल्ट के छोटे से गांव में सन 1707 की 23 मई को एक पादरी नील्स इंगेमासन लीनियस की पत्नी ने अपने पहले शिशु को जन्म दिया। उन्होंने
उनके जन्म के 2 साल बाद उनका परिवार स्टेनब्रोहोल्ट शहर आ गया, जहां उनके पिता निल्स लीनियस लूथरन चर्च में पादरी नियुक्त हो चुके थे। कार्ल लीनियस का गिरजाघर द्वारा दिया गया नाम कार्ल था। कार्ल का लालन पालन प्रकृति की छटा और सुगंध के वातावरण में हुआ। उनके पैतृक बगीचे के पुष्प उनके खिलौने थे। उनका बचपन बड़ा सुखद था। रैशुल्ड से 3 मील दूर वैक्सियो के प्राथमिक विद्यालय में उन्हें भेजा गया। उन्हें पौधों और फूलों में बड़ी दिलचस्पी थी। पापा, मुझे और पेड़ों के बारे में बताओ ना। कार्ल, मैं तुम्हें और पेड़ों के बारे में नहीं बताऊंगा अगर तुम इसी तरह भूलना जारी रखोगे। पापा, फिर यही बता दो कि ये क्या है। अच्छा, ठीक है। ये जो है, इसे कहते हैं सक्सीजा। ओह, पर क्या तुम कभी ये याद रख सकोगे? हाँ हाँ पापा, रखूंगा ना। ठीक है। कार्ल प्रतिदिन पुष्पों के नामों का उच्चारण करता। ये वाला फूल कौन सा है? ये एक ऑर्किड है। और इस प्रकार उन्हें याद करके उन्हें पक्का करने की कोशिश करता। जब उसे यकीन हो जाता कि वो उनके बारे में जान गया है, तो वो निकल पड़ता दूसरे नए और विचित्र पौधों के नाम जानने के लिए। उन्हें द लिटिल बोटैनिकस का उपनाम दिया गया था। वैक्सियो के स्कूल में कार्ल 4 वर्ष तक रहे, जहां स्कूल के मुखिया डैनियल लेनरूस थे। उन्होंने लीनियस को अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई। हवा में क्या खुशबू है, नए नए पौधे। वैसे डैनियल सर, क्या आप जानते हैं कि मैं इस रास्ते से लेकर स्टैनबोल्ट शहर तक के हर पौधे के बारे में जानता हूँ? अच्छा, वहां देखो, वो क्या है? वो तो वॉर्म वुड है सर। बिल्कुल सही। इसका वैज्ञानिक नाम है आर्टिमिजिया वल्गैरिस। जी। अच्छा, और ये जो दाहिने जो पौधे हैं, ये सर, ये तो डेंडेलियन हैं। और ये इनके साथ में जो पौधे हैं, इन हल्के हल्के पंखों वाले गेंदनुमा फूल का नाम है सिसलपीनिया। क्या बात है कार्ल, तुम्हारी बाई ओर वो फूलों से लदी उस झाड़ी में, वो क्या सर, आप भी मजाक कर रहे हैं मेरे साथ में? ये तो सर पकी हुई बेरीज हैं, ये लीजिए खाइए। बहुत खूब कार्ल, ये बेरीज मीठी हैं, पर इससे अधिक मीठा ये ज्ञान है ना? जी, समझ रहा हूँ मैं सर। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पौधे हैं, एक खास मौसम में ही उगते हैं या? मैं समझ रहा हूँ कार्ल, तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक ये साबित नहीं कर दोगे कि तुम्हें रेक्टर महोदय के बगीचे के साथ साथ वैक्सजो के रास्तों पर उगने वाले हर पेड़ पौधे के बारे में हर प्रकार की जानकारी रखते हो। सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वैक्सियो स्कूल में उन्हें डॉक्टर योहान रॉथमन भौतिक विज्ञान पढ़ाते थे। रॉथमन एक चिकित्सक भी थे। रॉथमन ने कार्ल में छिपी प्रतिभा को पहचाना और पेड़ पौधों के जीवन के अध्ययन के लिए उन्हें आवश्यक सहयोग दिया, जो उस समय खास उपयोगी विषय नहीं माना जाता था। उन्होंने प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री जोसेफ पीटन दे टॉनिफर्ट द्वारा प्रस्तावित पेड़ पौधों की वर्गीकरण प्रणाली से लीनियस का परिचय करवाया। ये वर्गीकरण की पद्धति कोरोला पुष्प भाग के आकार पर आधारित थी। 20 वर्षीय कार्ल लीनियस ने वैक्सियो हाई स्कूल से स्नातक की डिग्री हासिल की। अब वो और उत्साह के साथ वनस्पति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र सीखने में मन लगाने लगे। डॉक्टर योहान रॉथमन, जो एक जिला डॉक्टर थे और स्कूल में भी अध्यापन करते थे, उनसे मिलने उनके घर आए। कार्ल सर, आप आइए ना सर, अंदर आइए, अंदर आइए। जी जी, बैठिए सर। शुक्रिया सर,
पानी। कैसे हो काल तुम? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। कहिए ना सर। काल, मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस शरद ऋतु में उपसाला चले जाना चाहिए। पर क्यों सर? यहां इस लंड विश्वविद्यालय में तुम्हारे कार्यक्षेत्र में देने के लिए कुछ खास नहीं है। ओह। और स्टॉकहोम से 40 मील दूर स्थित उपसाला एक अधिक प्राचीन और मकबूल विश्वविद्यालय है। चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन के लिए इसे स्वीडन का कैम्ब्रिज भी माना जाता है। ये एक अच्छा मौका है कार्ल, मेरी बात पर गौर जरूर करना। जी सर, मैं समझ रहा हूँ सर, मैं इस बारे में सोचता हूँ और जल्दी ही वहां जाने का मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ सर। अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद सर। अपने बटुए में कुछ पैसे, अपने माता पिता का आशीर्वाद और लर्न विश्वविद्यालय का प्रशंसा पत्र लेकर सन 1728 की 23 अगस्त को वे उपसाला के लिए रवाना हुए। उनकी उम्मीदें काफी बुलंद थीं। यहां उपसाला में उन्हें पिता समान ऑल ऑफ सेल्सियस मिले। वो उपसाला चर्च के डीन और धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे। वे तापमान की स्केल देने वाले प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस के चाचा थे। वे काल के 6000 से अधिक संग्रहित पुष्पों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। काल लीनियस ओलफ सेल्सियस के यहाँ रुके। उन दिनों ओलफ सेल्सियस धर्मशास्त्र बाइबल में वर्णित पेड़ पौधों पर पुस्तक लिख रहे थे। इस कार्य में काल लीनियस ने उनकी बड़ी मदद की। लीनियस की उपलब्धियों की ख्याति बहुत जल्द दूर दूर तक फैल गई। उनकी पांडुलिपि इंट्रोडक्शन टू द मैरिज ऑफ प्लांट्स एक छोटा पर उम्दा काम है। ये पांडुलिपि चिकित्सा शास्त्र के वयोवृद्ध प्रोफेसर ओलफ रुडबेक के पास पहुंची। बहुत उम्दा। क्या पढ़ रहे हैं इतने ध्यान से प्रोफेसर रुडबेक? अरे भाई, ये चीज ही बहुत खास है। अच्छा, अब ये बताओ प्रोफेसर सेल्सियस, ये कार्ल लीनियस कौन है? कार्ल मेरे मित्र और शागिर्द हैं। बहुत संभावनाओं से भरपूर हैं वो। वो उनके काम में नजर आ रहा है। लेकिन ये बताओ प्रोफेसर के तुमने अब तक उन्हें छुपा कर क्यों रखा हुआ है? मैंने कार्ल को नहीं छुपाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी पर कार्ल यहाँ पर पूरे 2 बरस गुजार चुके हैं। वो आपके कुछ व्याख्यानों में भी हाजिर थे अगर आपने देखा हो तो। अगर आप कहें तो मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ प्रोफेसर साहब। अरे मैं जरूर मिलना चाहूंगा उनसे। देखो प्रोफेसर, प्रतिभावान को गुमनामी के अंधेरे में छुपा कर नहीं रखना चाहिए। वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर रुडबेक की अनुपस्थिति में प्रोफेसर डॉक्टर सेल्सियस ने कार्ल लीनियस का नाम यूनिवर्सिटी में व्याख्यानों के लिए सुझाया। हालांकि अभी वो सिर्फ द्वितीय वर्ष के ही छात्र थे। वो इस निमंत्रण को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। सन 1729 में जब लीनियस 22 साल के विद्यार्थी थे, उन्होंने डॉक्टर ओलफ रुडबेक के निर्देशन में अपने पहले शोध को लैटिन भाषा में प्रकाशित किया, जिसका ग्रीक भाषा में शीर्षक था पादपों में लैंगिकता या फूलों में विवाह, द मैरिज ऑफ द फ्लावर्स। उन्होंने बहुत ही बारीकी से उस हर पहलू का बयान किया है जो फूलों में प्रजनन की प्रक्रिया के समय होता है। पौधे भी अपने लैंगिक अंगों का खुले रूप से प्रदर्शन करते हैं और पौधों में नर और मादा लिंग होते हैं ठीक हमारी ही तरह, और उनमें भी विवाह होता है, उनमें भी निषेचन होता है और बीज अर्थात संतान भी उत्पन्न होती है। सन 1731 में उपसाला साइंटिफिक सोसाइटी के सदस्यों के समक्ष लीनियस का शोध पत्र पढ़ा गया,
जो पौधों में प्रजनन की प्रकृति के बारे में था। इस शोध पत्र को प्रकाशन के लिए अनुमोदित कर लिया गया। कार्ल लिनियस उपसाला में अगले 7 वर्षों तक रहे। लिनियस के सबसे महत्वपूर्ण दौरे स्वीडन के समुद्री तटों के द्वीपों में थे। इन द्वीपों में फूलों की भरमार थी। वो वहां से 26 ऐसे पौधे लेकर आए जिन्हें पहले किसी ने दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया था। इस सफलता के लिए रॉयल साइंटिफिक सोसाइटी ने उन्हें नकद पुरस्कार भी दिया। और इसके साथ सिलसिला शुरू हो गया वैज्ञानिक शोध लेखों का, जिनकी संख्या बढ़ते बढ़ते उनके जीवन में 150 तक पहुंच गई थी। कार्ल लिनियस अप्रैल 1735 से जून 1738 तक उपसाला से बाहर रहे। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ये परिपाटी बन गई थी कि चिकित्सा शास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले स्वीडिश लोगों को अपना डॉक्टोरल शोध पत्र हॉलैंड में जाकर लिखना होगा। इसलिए लिनियस ने 3 वर्ष नेदरलैंड्स में बिताए और आखिर 28 वर्षीय लिनियस ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। उन्हें चिकित्सा शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि और एक अकादमी उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र दिया गया। उनकी कृति सिस्टमा नेचुरे, जो 1735 में प्रकाशित हुई थी, उसकी पांडुलिपि वे स्वीडन से हॉलैंड लेकर गए थे। वो उस युग की अभूतपूर्व कृति थी जिसने न केवल उन्हें व्यक्तिगत ख्याति दिलाई वरन स्वीडन के लोगों की प्रकृति में गहरी रुचि पैदा की। सफलता कई रूपों में उनके सामने आई और वो राजधानी स्टॉकहोम में सबसे कामयाब चिकित्सक बन गए। 1741 में लिनियस की उपसाला विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हो गई। लिनियस एक कामयाब लेखक थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं। इनमें प्रमुख हैं सन 1737 में प्रकाशित सचित्र कृति फ्लोरा लेपोनिका, जिसमें स्वीडन के लैपलैंड में संग्रहित दुर्लभ वनस्पतियां वर्णित हैं। सन 1745 में प्रकाशित फ्लोरा स्वेसिका, जिसमें स्वीडन के फूलों, और अगले साल सन 1746 में प्रकाशित फौना स्वेसिका, जिसमें स्वीडन के पशु पक्षियों के जीवन के बारे में जानकारी दी गई थी। सन 1751 में उनकी पुस्तक फिलोसोफिया बोटानिका आई, जिसमें पेड़ पौधों के वर्गीकरण का सिद्धांत और सही सही उनके नामकरण के नियमों को पहली बार बताया गया था। और सन 1753 में 600 पेड़ पौधों की प्रजातियों की प्रमाणिक जानकारी वाली उनकी पुस्तक स्पीशीज प्लेंटरम प्रकाशित हुई। वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में लिनियस ने जो योगदान दिया है वो कल्पनातीत है। सन 1761 में स्वीडिश राजा ने उन्हें नोबिलिटी का सदस्य भी बनाया और एक साल बाद सन 1762 में उन्हें कार्ल फॉन लीने के नाम से पदोन्नति दी। उन्होंने अपना एम्बलम डिजाइन किया जिसमें प्रकृति के 3 साम्राज्य थे, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु। उनकी प्रसिद्धि सारे यूरोप में फैल चुकी थी और इस तरह वो सारी दुनिया के लिए फ्लोरा और फौना के एनसाइक्लोपीडिस्ट बन गए। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। बतौर एक मूर्धन्य लेखक उन्होंने एक के बाद एक कई किताबें लिखना जारी रखा। उनके सामने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे को पूरी तरह संशोधित करके प्रकाशित करने का एक बड़ा काम था। इस तरह उनके जीवन में ही सिस्टमा नेचुरे के 12 संस्करण छपे। इसका 10वां संस्करण आधुनिक टैक्सोनॉमी का मूल ग्रंथ माना जाता है। इसमें लगभग 7,700 पौधों और 4,400 जंतुओं का नामकरण दर्ज है। पेड़ पौधों के विभाजन के लिए लिनियस ने जो मानक चुने वो थी उनकी यौन विशेषताएं। पशुओं का विभाजन उन्होंने भिन्न मानक के आधार पर किया। चतुष्पादों या चौपायों, जिन्हें लिनियस ने स्तनधारी का नाम दिया, उन्हें स्तनों की संख्या और उनके स्थान के आधार पर बांटा। लिनियन विज्ञान विभाजन तथा नामकरण पर आधारित था, मतलब प्रकृति को बड़े छोटे भागों में बांटने और प्रत्येक जीव जंतु पेड़ पौधों का नामकरण करने के बाद उन्हें उनके सही स्थान पर रखने का काम लिनियस ने किया। मैंने अपने से पहले किसी भी जीवित इंसान से कहीं अधिक
ईश्वर की रचनाओं का चमत्कार देखा है, मुझे बहुत प्रसिद्धि मिली है और मुझे अपने विज्ञान के क्षेत्र में महान भी माना गया है। सच तो यह है कि ईश्वर ने हर जीव को पैदा किया और लीनियस ने उन्हें क्रमबद्ध किया। सन 1750 के बाद के वर्ष उनके लिए अच्छे नहीं रहे। लीनियस अब कमजोर हो चुके थे और बीमार रहने लगे थे। उनकी मौत की पहली चेतावनी तब आई जब सन 1774 में वो एक उद्यान में व्याख्यान दे रहे थे। उन्हें मस्तिष्क का घात हुआ और फिर 2 साल बाद सुबह 8 बजे इस महान प्रकृति विज्ञानी की मृत्यु 10 जनवरी 1778 को उपसाला में हुई। पेड़ पौधों को प्रेम करने वाले विश्व के इस महानतम वनस्पति शास्त्री की समाधि को फूलों से सजा दिया गया। लिनियस ने अपनी 4 आत्मकथाएं लिखी। मिथ्या प्रतिष्ठा से मुक्त वो अपने काम का मूल्यांकन भावी लोगों के लिए छोड़ गए हैं। उपसाला गिरजाघर में उनके बुद्ध के नीचे अंकित है लिनिये, वनस्पति शास्त्र का राजकुमार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कार्लोस लीनियस का संक्षिप्त रेडियो संस्करण। अकादमिक समन्वय राजेश कुमार निमेश, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम, कलाकार बाबला कोचर, रिचा सयाल, नीरज यादव, आकाश, वैभव श्रीवास्तव, आर एस रघु, गौरव मारवाहा और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, निर्माण परामर्श अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा और कुसुम लता, निर्माण एवं निर्देशन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।